मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने जनपद मिर्जापुर के ग्राम खैरा कला की अनुसूचित जाति की उत्पीड़ित बालिका संगीता के परिजनों से भेंट की। उन्होंने कहा कि उत्पीड़िता को अनुसूचित जाति एक्ट के तहत मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि में से 3,75,000 रुपए की प्रथम किश्त की राशि पीड़िता के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों, दलितों, वंचितों का समग्र विकास हो रहा है। मिर्जापुर विकास भवन के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने बात कही। हम लोगों को ज्ञात हुआ था कि मार्च के महीने में थाना लालगंज के खैरा कला गांव में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है। मैं उसी समय यहाँ आना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी हुई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। आचार संहिता समाप्त होते ही मैंने यहाँ के डीएम एसपी से बात किया, अपने विभाग के अधिकारियों से बात किया, और जो अनुमन्य सहायता है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत ऐसे पीड़िताओं को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रथम किश्त के रूप में एफआईआर दर्ज होने के तत्काल बाद जो राशि दी जाती है 3,75,000 रुपए आज स्वीकृत होकर के पीड़िता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।